आंखों को बंद करो, अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाओ और आज के वचन के लिए मांगो, परमेश्वर मुझे बुद्धि और समझ दे ताकि यीशु मसीह तेरा आना मुझे समझ आ जाए। खुदाबंद तेरा आना मुझे समझ आ जाए, यीशु मसीह तेरा आना मुझे समझ आ जाए, यीशु मसीह तेरा आना मुझे समझ आ जाए। विश्वास करो, विश्वास करो, खुदा काम कर रहा है, खुदा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, खुदाबंद आपकी जिंदगियों में मिरेकल कर रहा है, अपनी सामर्थ को उड़ेल रहा है, अपनी शक्ति के द्वारा तुम्हें छू रहा है, उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि इस ये जो वचन हम सुनने वाले हैं, खुदाबंद इसके द्वारा तुम्हारी जिंदगियों में बड़ा काम और फल ला चुका है। आमेन। हम एक एक्ट के द्वारा ये समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, ताकि आपको ये समझ आए कि यीशु मसीह का आना। तो आपको पवित्र ग्रंथ बाइबल, जो परमेश्वर ने सारे मनुखों के लिए दिया, किसी भी धर्म और जाति के लिए ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये वचन इंसानों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। इसमें जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति, तो वहां पर भी ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाऊंगा। अगर हम दुनिया में देखें तो कोई जातियां बड़ी है, कोई उससे छोटी है, कोई उससे ऐसे भेदभाव है मनुष्यों के बीच में, छोटी बड़ी जातियों में। लेकिन अगर हम रियलिटी सच्चाई को समझें, तो सच्चाई ये है कि यीशु मसीह या परमेश्वर किसी धर्म जाति को नहीं बनाया। परमेश्वर यीशु क्यों आया पृथ्वी पर? इसीलिए जब शुरू में लिखा गया कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप अपनी समानता में बनाया, ऐसा लिखा। लेकिन यीशु के आने का असली विषय बाइबल के अंदर हमें मिलता है। अगर हमें ये गुड न्यूज, ये बात हमारे अंदर अच्छे से नहीं बैठी, तो फिर हम अधूरे हैं। और जो अधूरा ज्ञान, दुनिया में कहते हैं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। अगर तुम भी यीशु मसीह में चल रहे हो और अधूरे हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान भी अधूरा है, तो शैतान तुम्हारी जिंदगी में काम कर सकता है, तुम्हें परमेश्वर से दूर कर सकता है, तुम्हारी जिंदगी में कई तरह की चीजों को क्रिएट कर सकता है, अगर तुम्हारा यीशु मसीह में ज्ञान अधूरा है। अगर तुम्हें अच्छे से ये पता नहीं कि यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए, आज की ये गुड न्यूज है हम सबके लिए, ये समझना है यीशु मसीह का आना, ठीक है। तो अगर हम शुरू में पढ़ें, तो बाइबल ये परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया के लिए, और इसमें एक बड़ी सच्चाई, एक बड़े पॉइंट है, वो सबसे बड़ा विषय है कि पाप इस जगत में कैसे आया, जो बाइबल के अंदर हमें समझ आता है। जब मैं भी परमेश्वर से दूर था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो मैं इसे एक धर्म समझता था, इस रस्ते को, और हमेशा मेरे अंदर एक ईर्ष्या थी, एक नफरत थी यीशु मसीह के प्रति। और ये तो मुझे बाद में पता चला, मैं जब यीशु मसीह में आया, कि मेरे अंदर नफरत और ईर्ष्या यीशु मसीह के प्रति क्यों थी। लेकिन जब हम शुरू में पढ़ते हैं बाइबल, तो जब मनुष्य को बनाया गया, तो मनुष्य ने आज्ञा तोड़कर, किस चीज को तोड़कर? आज्ञा को तोड़कर अपने आप को श्रापित किया, जबकि परमेश्वर ने दुनिया का पहला मनुष्य और पहली औरत को पवित्र बनाया। उनके ब्लड में, उनके अंदर कोई भी पाप नहीं था। बाइबल में ये दर्ज है, मेंशन है, कि वह दोनों नंगे थे और अदन वाटिका में उन्हें रखा गया था, और परमेश्वर बेहद उनसे प्यार करता था, और वो लोग परमेश्वर से संगति रखते थे और परमेश्वर उनसे संगति रखते थे। एक जबरदस्त रिश्ता था मनुष्य का परमेश्वर के साथ। लेकिन जब हम बाइबल को डिटेल से समझते हैं, तो वहां पर शैतान, जो पहले शैतान नहीं था, एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर बनना चाहता था, और इसी चक्कर में वो, उसके अंदर पहले सबसे बुराई पैदा हुई और वो उसकी बुराई बढ़ती गई, जिससे वो स्वर्ग के लायक नहीं रहा। बाइबल कहती है उसे स्वर्ग से फेंका गया पृथ्वी के ऊपर। लेकिन वही शैतान जो एक दिन स्वर्गदूत था,
उसने ऐसे ठान लिया था कि मेरा एक साम्राज्य होगा, मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा, और वो अपने आप को इस दुनिया के ऊपर ईश्वर समझता था। अभी भी वो समझता है, लेकिन अब तो उसका सिर कुचल दिया गया है, लेकिन अभी भी उन लोगों की जिंदगी पर राज करता है वो, जो लोग परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखते, जिन्हें परमेश्वर का पूरी तरह से ज्ञान समझ नहीं है। इसलिए तुम्हें ये समझना क्या है, बहुत जरूरी है। आइए मैं एक आपको वचन पढ़ाता हूँ। शुरू में जब आदम और उसकी पत्नी ने पृथ्वी को श्रापित किया शैतान की आज्ञा को मानकर और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा पाप का फल खाकर अग्नि वाटिका में, वहां का एक पॉइंट है जब श्रापित हुए इनकी आंखें खुल गई, एक दूसरे को देखने लगे कि हम नंगे हैं और पत्तों से अपने शरीर को ढकने लगे क्योंकि उनकी पाप की आंखें खुल गई। तब का ये सीन है जब परमेश्वर उनसे बात करता है, 3:1 में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैने पशुओं से अधिक शापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सुनो तो देखो ध्यान से, ये शतान एक सर्प के रूप में औरत को भरमाता है पाप करवाने के लिए। यह ज्ञान है, सच्चाई है, जो यीशु के आने का मीनिंग को पूरा करती है। अगर ये तुम्हें बेसिकल ये समझ नहीं है क्या हुआ था, यीशु मसीह का आना क्यों जरूरी था पृथ्वी के ऊपर, सुनो तो देखो। जहां जब मैं पढ़ रहा था तो यहां एक फिगरेटिवली वचन है वाक्य अलंकार में। अगर हम यहां से कुछ समझने की कोशिश करें तो कई लोगों को समझ नहीं आएगी, है ना। अगर हम यहां से समझें तो परमेश्वर ने सांप को कहा, तू घरेलू पशुओं से सबसे अधिक शापित है, तू पेट के बल चला करेगा और मिट्टी चाटता रहेगा। अगर हम आज सांप को देखें तो वो ऐसा ही है, तो फिर ऐसे महसूस होगा जैसे सांप की बात हो रही है, शैतान की नहीं, क्योंकि ये वचन फिगरेटिवली है। इस छोटे से 2 आयतों में तुम्हें समझना है सच्चाई को। यहां पर परमेश्वर बात कर रहे हैं शैतान से और वो बात कर रहे हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहां पर यीशु के आने की भविष्यवाणी हो चुकी है। हालेलुया, कितने लोगों को बात समझ आ रही है। यहां पर पृथ्वी पर मनुष्य श्रापित जब हुआ, इंसान के ब्लड में जब पाप आया, शतान से जब परमेश्वर की बातें होती हैं तो वो उसे शतान को बोलता है कि मैं स्त्री से एक जन को पैदा करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। शतान को क्लैरिटी थी इस वर्ड की कि यीशु या परमेश्वर किसी एक ऐसे जन को दुनिया के ऊपर पैदा करने वाला है जो मेरा नाशित करेगा, जो मेरे काम को बंद करेगा, स्टॉप करेगा और मेरे साम्राज्य को खत्म करेगा। ऐसा करके शैतान को यह मालूम हो गया और उसने ये ठान लिया था कि मैं उसे आने नहीं दूंगा। हालेलुया, कितने लोगों को बात समझ आ रही मेरी। आप दुनिया में भी जान देना, जैसे कंपनियों में कंपटीशन होता है, पॉलिटिशियंस में कंपटीशन होता है, बाबाओं में भी कंपटीशन होता है और कभी कभी पास्टरों में भी, पता है या नहीं पता आपको, बोलो, होता है ही नहीं, होता है ना। लेकिन ये जो कंपटीशन था, मतलब इस पॉइंट को सीख लो आप लोग, शैतान ने ये ठान लिया था कि मेरा साम्राज्य पृथ्वी पर बना रहे और जो भी जिसको भी वो पैदा करने वाला है मेरे नाशित के लिए, मेरे साम्राज्य को खत्म करने के लिए, उसे मैं नहीं आने दूंगा। मैं एक वचन आपको पढ़ाता हूं, 4:1 क्या लिखा, तब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। जैसे ही ये बच्चा जन्म देती है, आदम और उसकी पत्नी से बच्चा पैदा होता है, दुनिया का पहला बच्चा कैन, और जानती वो क्या कह रही है, वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने की थी
उसके दिमाग में था वो भविष्यवाणी पूरी होगी, वो यीशु, मतलब यीशु तब तो नाम नहीं था, तब तो उन्हें ये मालूम नहीं था, बस इतना पता था कि एक जन को परमेश्वर पैदा करने वाला है दुष्ट के साम्राज्य को खत्म करने के लिए। लेकिन उसने सोचा ये हो गया है, काम हो गया है, परमेश्वर ने, यहोवा ने उस प्रोफेसी को पूरा कर दिया है और जिस पुरुष की बात उसने की थी पैदा करने की वो हो गया है। लेकिन वो नहीं जानती थी। उसके बाद लिखा फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। अगर आप पढ़ोगे यहां पर इन दोनों भाइयों के बारे में, तो हाबिल जो था वो परमेश्वर का बच्चा था, परमेश्वर का वर्ड पूरा कर। ऐसे नेगेटिविटी में फंसे होते हैं हमेशा, परमेश्वर का अपना दिल नहीं देते, परमेश्वर क्या चाहता है इस पर कभी ध्यान नहीं देते, प्रार्थना नहीं करते, मनन नहीं करते, अपने अंगीकार को परमेश्वर के सामने नहीं रखते, अपनी बात को परमेश्वर के सामने नहीं रखते। उनकी जिंदगी में भी दुष्ट काम करके उन्हें इस्तेमाल करता है और उनकी जिंदगी को खुदा से आगे पीछे करता है। लेकिन कैन ने ऐसा किया, कैन और हाबिल दोनों के बीच में दुष्ट कैसे काम करने लगा, मतलब एक की जिंदगी में काम करने लगा शैतान और दूसरी की जिंदगी में खुदा की आशीष काम करने लगी, कैसे? क्योंकि परमेश्वर का नियम शुरू से ही था। इन दोनों ने अपने काम काज से, हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था और कैन जो था वो किसान बन गया। किसान बनकर ये जो अपनी भेंट थी, दशमांश था, ये बचा कुचा परमेश्वर के सामने लाता था और बाकी रखता था अपने पास, है ना, जैसे कई बार हमारा भी मन ऐसे होता है। लेकिन जो हाबिल था वो पूरा खरा था। लेकिन इसी बीच में जब हम पढ़ते हैं तो कैन को क्रोध दिया शैतान ने, उसके मन को अजीब और गंदा सा बनाने लगा शैतान, और धीरे धीरे वो परमेश्वर के सामने गड़बड़ करने लगा और इसी वजह से उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। किसने? परमेश्वर ने। उस समय भेंट कैसे ग्रहण होती थी? जैसे रखी गई परमेश्वर उठा लेता था उस समय, तो उसकी उठाई नहीं जाती थी, हाबिल की उठाई जाती थी। लेकिन हम यहां पर एक पॉइंट देखते हैं कि शैतान अब नहीं चाहता है कि वो जन आए। कौन? यीशु। हालेलुया। कितनों को बात ये समझ आ रही है? वो नहीं चाहता था कि यीशु आए। लेकिन अगर हम 4:8 में पढ़ें तो क्या लिखा? तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर दिया, मतलब उसका कत्ल कर दिया। सुनो इधर देखो ध्यान से, अपने भाई को जब दुनिया में सिर्फ 4 ही इंसान थे पूरी दुनिया में, मम्मी पापा आदम और उसकी पत्नी और 2 भाई, और कोई भी पृथ्वी पर और इंसान नहीं था। सुनो देखो ध्यान से, उस समय शैतान ने क्यों यूज किया कैन को? क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि यीशु पृथ्वी ऊपर आए। वो जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, प्रोफेसी है, परमेश्वर की जो इच्छा है वो कभी पूरी ना हो, लेकिन उसने उसको मार दिया। अगर इससे बाद तुम पढ़ोगे बाइबल को तो इतना अंधकार का टाइम था, इतना बुरा हाल था। अगर आगे आगे पढ़ते जाओगे तो पाप इतना बढ़ रहा था, शैतान लोगों के मन को इतना गंदा कर रहा था, इतना गंदा कर रहा। और ये शैतान का काम है, इतनी खतरनाक रीति से संसार के लोगों को शैतान ने पाप में डाल दिया, आप सोच भी नहीं सकते। लड़कियां हैं उसके 10-10 फ्रेंड्स, लड़के हैं पता नहीं 10-10, 12-12 गर्लफ्रेंड, शादीशुदा भी पीछे नहीं। बुरा हाल है संसार के लोग। अगर हम बचाए गए हैं तो यीशु मसीह के ब्लड के कारण, उसके लहू के कारण। सुनो, तुम में से कई लोग होंगे जिनके अंदर दुष्ट कॉन्टिन्यू पाप के व्यभिचार के विचार देता होगा। अगर वो बनते रहे तो याद रखना एक दिन पाप की मजदूरी मौत है। शैतान हमें बड़ी बुरी तरह से मार सकता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया परमेश्वर की इच्छा पर, यह समझना हमें बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर हम यहां से आगे आगे पढ़ते जाते हैं, परमेश्वर का वचन, इतनी मारधाड़, इतना बुरा हाल, दुनिया तो बढ़ने लगी उन दोनों से, आगे आगे बच्चे, आगे आगे बच्चे पैदा होने लगे, लेकिन पाप इतना बढ़ रहा था लोगों के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते।
इतनी मार धाड़ तुम बाइबल में देखोगे, इतना इंसान बैरी एक दूसरे का, जातियां लोग इतने बैरी थे, आप हैरान हो जाओगे बाइबल पढ़कर। लेकिन परमेश्वर ने अपने एक कुल को, एक एक अपने मंडली को, अपने लोगों को, इसराइलियों को बचाकर रखा। थे तो उसके सारे, लेकिन इन लोगों के साथ परमेश्वर खड़ा रहा ताकि इस कुल के द्वारा, इन लोगों के द्वारा, इसराइलियों के द्वारा मैं अपनी प्रतिज्ञा को पृथ्वी पर पूरा करूं और दुनिया को जीवन दूं, याद रखना। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की यीशु मसीह के आने की। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में कितनी भी भविष्यवाणियां पढ़ें, अगर यीशु मसीह से पैदा होने से पहले यशाया नाम का भविष्यवक्ता था, उसने भी यीशु मसीह की भविष्यवाणी की, दाऊद ने की, मूसा ने भी की, कई नबियों ने की, मीका ने की, और बहुत जगह पर यीशु मसीह पहले से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने यीशु मसीह ने आना है तो क्या क्या होना है ये बातें लिखी। मैं एक भविष्यवाणी आपको पढ़ाना चाहता हूँ यशाया की बुक में, ताकि आपका जो विश्वास है आज के वचन के द्वारा और पक्का हो जाए परमेश्वर के ऊपर, ताकि पाक रू आज आपको छुए। आमीन ऊंचा, बरकत आपकी पूरी। हालेलुया। यशाया 9 में एक वचन पढ़ता हूं मैं, 9:2 से क्या लिखा, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वह तेरे सामने कटनी के समय कहाँ सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बाहागे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले लाठी, इन सबों को ऐसे तोड़ दिया है कि जैसे मद्यानियों के दिन में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग सा कौर हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता स्वर्गदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर स्वर्गदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए हुए संभाले रहेगा, सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आमेन। सुनो, ऐसी कई सारी प्रोफेसी जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, सुनो, इधर ध्यान दो। आज सुनो, हमारे लिए सच्चाई क्या है? हमारे लिए सच्चाई ये है कि इस दुनिया में क्या कभी किसी के पैदा होने से पहले कभी कुछ लिखा गया कुछ सिवाय यीशु के? सोच कर देखो, ये 700 साल पहले थी, और हजारों साल पीछे भी जाओ, नबियों ने यीशु मसीह के आने का भविष्यवाणी उन्होंने की, और इज़राइली लोग उस मसीहा की वेट कर रहे थे क्योंकि उनके पास उसके बारे ज्ञान था। लेकिन आज ये गुड न्यूज सारे संसार के लिए, और इसका काम मुझे और आपको दिया गया है। हालेलुया। आपको पता है जैसे एक माता पिता होता है, क्या वो चाहता है कि मेरे बच्चे बीमार, दुखी, डिप्रेशन में रहें, बीमारियों में रहें, नशा करें, या उनके एक्सीडेंट हो, बुरा हालत रहे, गरीबी रहे? क्या कोई माता पिता ऐसा चाहता है कि मेरे बच्चे बड़े दुख में, प्रॉब्लम में रहे? तो क्या खुदावंद ने इस पर्पस से दुनिया को रचा था, इस पर्पस से दुनिया को बनाया था कि मैं इंसानों को, जैसे अभी हम एक्ट में भी देख रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे, हे भगवान, तूने माना किया, बुरा किया, बुरा किया, इसको क्यों उठा लिया, इसको क्यों मार दिया, ऐसे बातें ना। जब मैं यीशु मसीह में नहीं था तो मेरे लिए भी यही ज्ञान था। मैं भी सोचता था जो कुछ करता है परमेश्वर करता है, मारता भी वही है, हड्डियां भी वो तोड़ता है, बीमारियां भी वो देता है, हालात भी वही देता है।
लेकिन ये तो मुझे समझ आया कि परमेश्वर महान है, वो जीवन देता है। ये बीमारियां, क्लेश, व्यभिचार, पाप, दुख, तकलीफ, चिंता, रोग आने का कारण था पाप, जो आदम और हवा से स्टार्ट हुआ। आदम और हवा से स्टार्ट होने की वजह से पुराने नियम में देखोगे इतनी क्लेश दुनिया लड़ रही है, आज भी यही है। कोई किसी पर काला जादू कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, रोड पर जाओ किसी को गाड़ी टकरा गई, इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए लोग। अगर आप देखो मल्लों में, गलियों में, गांव में एक दूसरे से खुश नहीं है लोग। अगर किसी की बड़ी कोठी बन गई, लोग कहेंगे पता नहीं कितों देखो आंधे काले नंबर दे पैसे, पता नहीं कहां से ला रहा है ना, ऐसी एक दूसरे से खुश नहीं है, क्योंकि पाप अंदर काम कर रहा है। किसी की अच्छी गाड़ी देखी तब देखते रहते हैं, मेरे पास क्यों नहीं, इसके पास कहां से, मतलब ऐसी चीजें हो रही है। दुनिया के ऊपर मनुष्य पापी है, इसलिए परेशान है, डिप्रेशन में, दुखी में, क्लेशों में, हालातों में, बीमारियों में। लेकिन जब हम सच्चाई पढ़ते तो यीशु मसीह इसी काम को पूरा करने के लिए आया, ताकि मनुष्य को पाप से छुड़ाकर उन्हें जीवन दे। हालेलुया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एक और पॉइंट, ध्यान से सुनो। वो था यीशु मसीह का जन्म बैतलम में हुआ, जानते हो ना, और आप जानते हो लगभग 700 साल पहले मीका ने भी ये एक भविष्यवाणी की। मैं आपको ना ये भविष्यवाणी पढ़ाता हूं ताकि आपको ये समझ आए खुदा कितना ताकतवर है, कितना सामर्थ्य है वो। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? तो मैं आप लोगों को ये पॉइंट अभी जल्दी जल्दी मीका की पुस्तक से समझाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को परमेश्वर की ताकत समझ आए। मांगो मांगो परमेश्वर से बुद्धि, समझ के परमेश्वर हम जो सुन रहे हैं उसका फल आ चुका है। हालेलुया। तो मीका 5:2 में क्या लिखा है? हे बैतलम, ए प्राता, यदि तू ऐसा छोटा कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष, एक अधिपति निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनाद काल से होता आया है। आमीन। ऊंचा बरकत बड़ी। सुनो देखो, लगभग 700 साल पहले मीका ने भी यीशु मसीह की भविष्यवाणी की, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिटेल से आपको समझा सकूं। लेकिन मैं कुछ पॉइंट से आपके अंदर परमेश्वर के गुड न्यूज को, यीशु मसीह के आने को पक्का करना चाहता हूं, ताकि आप परमेश्वर के लिए जियो, अपने जीवन से गुड न्यूज दो, अपने बीज को, भेंट को, बीजों को खुदा के कामों के लिए बो, ताकि उसका राज्य बढ़े। हालेलुया। लेकिन यहां पर यीशु मसीह के आने की बात तो हो रही है, लेकिन ये भविष्यवाणी आपके लिए एक बड़ा विषय है, ये वाली मैं भी समझाता हूं आपको। यहां पर लिखा यहूदा के नगरों में से, हजारों में से एक सबसे छोटा नगर। अगर तुम हिस्ट्री चेक करोगे तो उस समय जब यीशु मसीह ने उस बैतलम गांव में जन्म लेना था, तो मर के 70-80 परिवार वहां रह सकते थे, इतना छोटा था, लिटिल स्मॉल गांव, इतना छोटा गांव। सुनो, अब सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने ये डिसीजन क्यों लिया कि बैतलम में ही यीशु मसीह का जन्म होना चाहिए, जबकि इतने बड़े बड़े नगर, इतने बड़े बड़े नामी उस समय नगर थे, सिटी थे, ऐसा था, लेकिन इतने छोटे। इसमें भी एक पॉइंट है जो आपको सीखना है। सुनो, आप जानते हो यश, परमेश्वर ने कहा यहोवा का चुनना मनुष्य के जैसा नहीं, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी सिस्टम को देखता है, लेकिन मैं तो, मेरी दृष्टि कहां रहती है? मन पर रहती है, मनुष्य जैसा चुनना मेरा नहीं। सुनो, लेकिन अगर हम देखें, जब नमान कोड़ी को गुड न्यूज मिली तो एक छोटी बच्ची के द्वारा मिली, उसे कौन जानता था बोलो? एक छोटी बच्ची, छोटी सी बच्ची,
क्या उसे कोई जानता था? कहां उसे लोगों ने जाना? आज पूरी दुनिया में जब तक ये पृथ्वी है, संसार है, नमान कोड़ी को गुड न्यूज देने वाली एक छोटी सी बच्ची के द्वारा नमान कोड़ी बचाया गया। सुनो, आज हम उस छोटी बच्ची को जानते हैं, क्योंकि उसको किसने चुना था अपने काम के लिए? खुदा ने। लेकिन आप जानते हो, जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को 5 रोटियां 2 मछलियों से खाना खिलाया, और उस छोटे लड़के को क्या कोई जानता था? ये खुदा का काम है। हालेलुया। आप जानते हो, बाइबल में पढ़ोगे, जब यीशु मसीह के चेलों में यीशु मसीह आया, जैसे यहूदा नगर में यीशु जब पैदा हुआ, तो पैदा होने के बाद परमेश्वर का प्लान चेक करो। आज पूरी दुनिया में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिए है, नगर है, देश, जो भी प्लेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इतने नामी है, रिच, जिनका बहुत बड़ा नाम है, आज यहूदा उनमें से एक है। इंटरनेट पर चेक करो, इंटरनेट पर चेक करो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज करोड़ों लोग उस बैतलहम में, उस नगर में जाते हैं, क्योंकि वहां पर, जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहां पर यीशु मसीह का नाम पर एक चर्च बना है, चर्च ऑफ एक नाम करके ऐसे चर्च बना है, नेटिविटी ऐसे करके। तो वो जो चर्च बना, उसको देखने के लिए करोड़ों लोग जाते हैं, और वो दुनिया में आज फेमस प्लेसों में एक प्लेस है। इंटरनेट पर चेक करो, हाईली हाई फाई जो रिच, उनमें आज गिना जाता है, जबकि वहां 70-80 लोग भी मर के समाते थे, इतना छोटा था। अगर वही यीशु आज आपकी जिंदगी में आ गया, तो सोचो आपकी जिंदगी क्या होगी। हालेलुया। यीशु मसीह के आने की सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी। अगर डिटेल से तुम्हारे अंदर ये बातें बैठेगी, तो तुम्हारा फेथ सही रहेगा, राइट रहेगा। अगर एक छोटा 70-80 जहां परिवार मरकर बस सकते थे, आज दुनिया की हाई प्लेसेस, रिच प्लेसेस में वो गिना जाता है, सोच कर देखो उसका नाम दुनिया में फेमस है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन पैदा हुआ? यीशु पैदा हुआ। अगर वही यीशु आज अगर आपकी जिंदगी में आया, तो सोच कर देखो वो जिंदगी कहां होगी। हालेलुया। आप जानते हैं, जब यीशु चेलों की जिंदगी में आया, उस समय के महान याजक और महायाजक और रिच लोग, एजुकेटेड लोग, जब उन्होंने चेलों को देखा कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य, इनको ये कैसे आया ज्ञान, समझ और सामर्थ्य के काम करने के दान वरदान, फिर उन्हें याद आया, ये तो यीशु के साथ रहे थे। हालेलुया। सोच कर देखो, उन्हें याद आया कि ये लोग किसके साथ रहे थे? यीशु के साथ रहे थे। तो यीशु मसीह के आने का सबसे बड़ा मकसद आपको समझ आना चाहिए। सबसे बड़ा मकसद, अगर जो आदम और हवा से पाप स्टार्ट हुआ था, उस पाप के लिए खुदावंद या खुदा खुद पुत्र के रूप में एक कुंवारी से पैदा हुआ, ताकि सारे जगत के पापों का क्या करे? प्रायश्चित करे। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? सुनो, अगर तुम पढ़ोगे, तो यीशु को सबसे पहले शैतान आने नहीं देना चाहता था। कितनी बार पुराने नियम में उसने लोगों को मरवा दिया, क्या क्या उसने किया। एक बार उसने पूरी दुनिया को पाप में डाल दिया, नूह के टाइम में, ताकि पाप के कारण दुनिया नष्ट हो जाए और यीशु मसीह ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरा नाश हो, मेरा नाशित हो। पहले तो ये काम कर रहा था। अगर हम इसी को, जब यीशु पैदा हुआ बैतलहम में, जब उसको, योसेफ को, उसके सुतेले बाप को जब मैसेज मिला कि हेरोदेस पूरे देश के बच्चों को मरवाने वाला, तुम इसे लेकर मिस्र में चले जाओ, और जब वो चला जाता है, दर्शन पाकर
उस समय सारे देश के बच्चों को मरवा देता है। शैतान यूज करता है राजाओं को, लोगों को, कि अब यीशु, पहले तो वो आने नहीं देता था, अब वो चाहता था यीशु मसीह खत्म हो जाए। हालेलुया। जब हम फर्स्ट कुरिन्थियां 2:8 में लिखा, जिसे इस संसार के हाकुमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। ये शैतान के बारे में लिखा है, लिखा इस संसार का ईश्वर शैतान। आज भी अपने आप को क्या मानता है, अपने आप को इस जगत का ईश्वर, और वो लोगों पर राज्य भी कर रहा है, और लोग उसके कंट्रोल में है। वो जो चाहता है करवाता है, शादीशुदा से भी व्यभिचार करवाता है, और स्कूल कॉलेजेस में जाओ क्या हो रहा है, तुम जाओ दुनिया कैसे मर रही है नशों में पाप में, ये शैतान कर रहा है। वो कभी बाहर नहीं आ सकती। आ सकते हैं खुदावंद को जानकर, अपने पाप से छूट सकते हैं यीशु मसीह को जानकर। लेकिन यहां पर बाद में वो नहीं जानता था यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना। आना तो ये जानता था कि वो आने वाला है, आ भी गया ये भी उसको पता चल गया। उसको गुमराह करने के लिए जब जर्दन नदी से यीशु मसीह बपतिस्मा पाकर आत्मा से भरा 40 दिन जंगल में रहता है, रात दिन परमेश्वर के साथ कई विषयों पर, जब उसे भूख लगती है तो शैतान उसके पास आता है उसे गुमराह करने के लिए, सेम जैसे आदम और उसकी पत्नी को किया। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अभी भी वो कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी शैतान को ये भेद नहीं पता था यीशु का क्रॉस पर चढ़ना। अगर बाइबल में लिखा, उसे पता होता कि यीशु अगर क्रॉस पर चढ़ गया और मर गया, और मरने के बाद जब उसने मरना था फिर क्या होना था, शैतान को ये प्लान खुदाबंद का पता नहीं था। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? बाइबल में लिखा जब यीशु क्रॉस पर चढ़कर मर गया, शैतान पार्टी कर रहा, खुश हो रहा है, ओ यीशु मर गया, मेरे नाक में दम कर दिया था उसने। लेकिन जब तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है, शैतान ने एकदम हक्का बक्का, क्या हुआ क्या हुआ, लाले के पाले पड़ जाते हैं शैतान के। जब उसे असली बात समझ आती है, वो जानते क्या बात है, वो बाइबल में लिखा तुम मरे हुए थे, अफिसियों 2:1 या कई जगह पर लिखा तुम मरे हुए थे और तुम यीशु मसीह के साथ जिंदा किए गए। हालेलुया। यीशु मसीह के आने का सबसे बड़ा विषादा मनुष्य की जिंदगी में पाप के कारण जो मौत आई, उसका जीवन जो मुर्दा था, खुदावंद यीशु अपने जीवन को देकर, बलिदान देकर पृथ्वी पर आकर वो हमें एक नया जन्म लेना चाहता था। ये कितना पावरफुल पॉइंट है कि जब तुम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हो, जाओ उसे अपना जीवन देते हो, यीशु तुम्हें पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हें वास करता है, तो तुम एक नए जन्म में यीशु मसीह में जन्म लेते हो। हालेलुया। अब ये जन्म में हम शैतान के राज्य को खत्म कर सकते हैं, लोगों को जीत सकते हैं, पाप से निकाल सकते हैं, बीमारों को हील कर सकते हैं, बीमारियों से छुड़ा सकते हैं। ये प्लानिंग था खुदाबंद का, और इसीलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया था ताकि मनुष्य जो मर गया पाप के कारण उसे दोबारा जीवन मिले। और ये सच्चाई दुनिया नहीं जानती, आपने जानी है, और आपके थ्रू वो जानेंगे और बचाए जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह में आने का मतलब मुर्दा जीवन से एक नया जन्म लेना, जिसमें खुदा वास करेगा फिर पाप नहीं होगा, पवित्र आत्मा वास करेगा फिर पाप का जीवन नहीं होगा, खुदा के साथ आपका मिलाप होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। और फिर जो प्रोफेसीज यीशु मसीह ने भी अपने मुंह से की, अगर आप यूहन्ना 7 अध्याय पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कहा, पर्व के दिन खड़ा हुआ जब यहूदी ऐसे बड़ा पर्व मना रहे थे, उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और मैं उसके जीवन में जल की नदियां बह निकलेंगी, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह ने कहा।
और लिखा ये वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, क्योंकि यीशु मसीह अभी अपनी महिमा को ना पहुंचा था। सुनो, अभी तुम्हारे अंदर अगर तुमने अपना जीवन यीशु को दिया है, अगर यीशु का वास तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो फिर तुम लोग एक नए जन्म को, एक सामर्थ्य जन्म को, जैसे वचन में लिखा उसकी शांति का अंत नहीं होगा, अंधकार में जो पड़े हुए थे उनके लिए एक ज्योति चमकी। हालेलुया, जो अंधकार में पड़े थे उनके लिए एक ज्योति चमकी, और उनके गर्दनों के ऊपर जो जुआ था, भारी जुआ, वो तोड़ डाले। यीशु मसीह इस दुनिया में डिप्रेशन में पड़े हुए लोग, बीमारियों में पड़े हुए लोग, हालातों में पड़े हुए लोग, दुष्ट आत्मा के सताए पड़े हुए लोग, क्लेशों में पड़े हुए, गरीबी कर्जों के नीचे दबे हुए लोगों के लिए, तुम्हारी शर्मिंदियों के लिए उसने क्रॉस को उठाया और तुम्हें जीवन देने के लिए वो आया था। हालेलुया। अगर तुम एक वचन पढ़ो लूका की पुस्तक में, इस वचन को मैं जल्दी जल्दी दो मिनट में खत्म करना चाहता हूं आप लोगों के लिए, ताकि हमें यह बात समझ आए परमेश्वर की ताकत और सामर्थ। अगर मैं इसे लूका चैप्टर 2 उसका 8 से पढ़ूं तो क्या लिखा, और उस देश में कितने गडेरिए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब संसार के लोगों के लिए है, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। वो उद्धारकर्ता जन्मा है। अगर और पढ़ोगे तो स्वर्गदूतों ने आनंद मनाया, खुशियां मनाई। कुछ पास्टर्स को शैतान इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये 25 दिसंबर डेट मेंशन नहीं है बाइबल के अंदर, लेकिन इतिहासकारों ने ये चेक कर कौन सा दिन सही है, राइट है, उन्हें अनुमान लगा के 25 दिसंबर ही है। यीशु मसीह का जन्म चाहे हम मनाएं 25 दिसंबर को, या मनाएं हम नवंबर को, या मनाएं हम मार्च को, सुनो, तारीख मायने नहीं करती, दिन मायने करता कोई भी हो। हालेलुया। कौन सी चीज मायने करती है? वो दिन जिसमें हम ये फेथ कर रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों आया, उस पॉइंट को सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन याद रखना, शैतान किसी की जिंदगी में भी काम कर सकता है। अगर यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ रहकर शैतान उसे पकड़ लेता है और उसी को यीशु मसीह को मरवाने और पकड़वाने में उसे यूज कर सकता है, तो क्या किसी पास्टर का दिमाग पकड़कर वो ये नहीं बोल सकता, दिखाओ कहां लिखा है, ये है वो है, ऐसी बातें, ऐसे झूठे और आगे पीछे दिमाग वाले पास्टर की बात तक ना सुनना। आपका रिश्ता खुदावंद के साथ है और खुदावंद के साथ बढ़ते जाओ। हालेलुया। और सबसे बड़ा विषय है, सुनो, यीशु मसीह के आने का सबसे बड़ा विषय वो है ताकि मनुष्य को पाप से छूट कर उद्धार मिले, उसका मिलाप परमेश्वर से, और उसकी जिंदगी में पाप के कारण जितनी क्लेशें, डिप्रेशंस, प्रॉब्लम में, बीमारियां, रोग, हालात, ये पाप के कारण आई है, हमारे पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर थे, इसी को हमारी शर्मिंदियों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस उठाकर एक नया जीवन, एक शांति का जीवन देने के लिए आया था। यीशु धर्म के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, इंसान के लिए आया था। अगर तुम अपने मन को फिराओगे तो परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। कितने लोग चाहते हैं उसकी सामर्थ को देखना? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छुए? कितने लोग चाहते हैं कि उसकी ताकत आज मेरी जिंदगी में काम करे, मैं गवाही से आऊं? सुनो, ये जो दिन है हमारे लिए, इसमें कुछ लोगों को जल्दी जाने की होगी। एक दिन तुमने दिया, अगर तुम संसारिक होते, कोई तुम्हारी शादी होती, हो सकता तुम्हें 8 बजे, अभी हम लोग केक काटेंगे, यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करेंगे, और उसमें ये सब बच्चे और आप मिलकर
हम पूरे धूमधाम से नाचेंगे और अपने जीवनों से खुदा का नाम ऊंचा करेंगे। ऊपर ले ऊपर जल्दी, खुदा के नाम को क्या करेंगे? हालेलुया, खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे, खुदा के नाम को। और मेरा विश्वास है आज होली स्पिरिट आपको छुएगा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपके परिवारों में बरकत आएगी। ये ब्लेसिंग मंथ आपके, लाओ लाओ जल्दी जल्दी लाओ, बहुत बड़ी बरकत आपके घर में आ रही है, आपके परिवार के ऊपर बरकत आ रही है। कोई भी जन आगे मत आना, कोई भी जन टीम अभी कोई जन आगे मत आना, ठीक है? सुनो इधर देखो, अगर आप लोग कोई गिफ्ट लेकर आए हो तो ठीक है, अभी कुछ मिनटों के बाद आपने उसको आगे परमेश्वर की भेंट समर्थ कर चढ़ाना है, ठीक है? सुनो इधर देखो, अभी बैठे रहना अपने स्थानों पर। तो अभी हम लोग आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि मैं खुदावंद जो सुना है कि यीशु मसीह के आने का मकसद, उसने इतना दुख सहा, इतने कोड़े खाए हमारी शर्मिंदगियों के लिए, हमारे हालातों के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारी शर्मिंदगियों के लिए, डिप्रेशन के लिए, बीमारियों के लिए, रोगों के लिए, हमारी मौत के लिए, हमारी क्लेशों के लिए वो क्रॉस पर चढ़ा, ताकि हम उस नाशवान जीवन से छूट कर अनंत जीवन प्रवेश करें। हालेलुया। आज पूरी दुनिया में पाप नजर आता कि नहीं आता है, और उसी पाप के लिए यीशु मसीह का क्या हुई कुर्बानी पूरी दुनिया में, कि यीशु ही है सिर्फ जो पाप के बिना जन्मा, कुंवारी कन्या से, इसकी प्रोफेसी 700 साल पहले ही हो चुकी थी कि एक कुंवारी पुत्र को जन्मेगी। यशाया ने कहा उसका नाम क्या रखना? इमैनुअल रखना। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया।